एक जंगल में रानू चिड़िया और कालू नाम का कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों को जो भी समस्या आती थी वो दोनों डटकर सामना करते थे। एक दिन रानू कालू कौवे के लिए एक तोहफा ले आती है और ऐसे कहती हैं, अभी अभी मेरे दोस्त कालू कौवे के परिवार में दो नन्हे बच्चे हुए हैं, अगर मैं ये तोहफा उसको दूंगी तो वो बहुत खुश होगा। ऐसा कहकर वो उस तोहफे को देने के लिए कालू कौवे के घर जाती हैं। रानू चिड़िया को अपने घर में देखकर वो कालू कौवा बहुत खुश होता है और उससे कहता है, आओ दोस्त, यहाँ कैसे आना हुआ? हम दोनों मिलकर 4 दिन हो गया है, मैं ही सोच रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। कालू, तुम्हारे परिवार में 2 बच्चे हुए थे ना, इसीलिए मैं तुमको ये तोहफा देने के लिए आई हूँ। अरे रानू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? कालू, तुम हमेशा बोलते रहते हो ना, अगर मेरे भी बच्चे हुए तो तुम्हारे और मेरे बच्चे खुशी से रहेंगे। आज ही मैंने अंडा दिया है, कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे भी बाहर आने वाले हैं। अरे रानू, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी बताई है तुमने, मेरी दोस्त भी माँ बनने वाली है, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। ऐसे ही खुशी से दोनों दोस्त बातें कर रही होते हैं। थोड़े समय बाद रानू चिड़िया उससे कहती है, ठीक है दोस्त, मुझे भोजन ढूंढने के लिए जाना है और मेरा अंडा भी घोंसले में है। उसी दिन रानू चिड़िया को उसके घोंसले में ना पाकर वहाँ एक सांप आ जाता है। अरे, ये अंडा तो दिखने में बहुत ताजा ताजा लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वाद होगा। ऐसा कहकर उस अंडे को खाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में रानू चिड़िया अपने घोंसले में आती है। अपना अंडा ना पाकर वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरा अंडा, मेरा इकलौता अंडा कहाँ चला गया? इतने दिनों से उस अंडे का इंतजार कर रही थी, अब वो अंडा कहाँ चला गया? किसने ले लिया? वो उस अंडे को अपने घोंसले के आसपास ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी उसको अंडा नहीं नजर आता है। रोते हुए वो उसके दोस्त कालू कौवे के पास जाती है। रानू चिड़िया का रोना देखकर कालू कौवा उससे कहता है, अरे रानू चिड़िया, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? फिर रानू चिड़िया अपना अंडा खो गया करके कालू कौवे को बताने लगती है। ये सब सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। रानू, तुम चिंता मत करो, वो चोर जो कहीं भी है वो फिर से तुम्हारे घोंसले के पास जरूर आएगा, फिर हम दोनों उसको अच्छे से सबक सिखाएंगे। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम जो भी अंडे देने वाली हो मेरे ही घर में दे देना, मेरे पास थोड़े खराब अंडे हैं, हम उन अंडों को ले जाकर तुम्हारे घोंसले में रख देते हैं। ऐसे ही दूसरे दिन रानू और कालू खराब अंडे उस घोंसले में रख देते हैं और दूर बैठकर उस चोर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो सब फिर से रानू चिड़िया के घोंसले पर आता है। अरे वाह, आज तो यहाँ ताजे ताजे 3-3 अंडे हैं। ऐसा कहकर वो सांप 3 अंडों को निगल लेता है। अरे रानू, मैंने तो सोचा था कोई पक्षी तुम्हारे अंडे खा रहा है, लेकिन ये तो सांप है। कालू, अब हम उस सांप का सामना कैसे करेंगे? रानू, हमको होशियार से काम करना पड़ेगा। भी कालू कौवा सोचने लगता है
उसको एक उपाय आता है। जानू, ये सब तुम्हारे घोंसले के पास रोज आ रहा है। हम कुछ और अंडे लेकर उसमें जहर मिला देते हैं, फिर हम उस सांप को मार देंगे। ऐसे ही दूसरे दिन कालू कौवा सारे पक्षियों को उस सांप के बारे में बताने लगता है। फिर उन पक्षियों से खराब अंडे लेकर वो अंडों पर जहर डालकर उस घोंसले में रख देता है। सांप फिर से उस घोंसले में आता है। इतने सारे अंडे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। रोज अंडे बढ़ते ही जा रहे हैं। आज तो मैं पेट भर खाऊंगा। ऐसा कहकर वो सारे अंडों को खा लेता है और उधर ही बेहोश हो जाता है। फिर जल्दी से रानू और कालू आके उस सांप को ले जाकर एक रस्सी से पेड़ पे बांध देते हैं। वो दोनों सांप के पास आग लगा देते हैं। तभी उस सांप को होश आता है। वो गुस्से से उन दोनों से कहता है, छोड़ दो मुझे, तुम दोनों छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों को काट के मार दूंगा। सांप, तुम अब मरने वाले हो। अब से तुम किसी भी पक्षी के अंडे नहीं खा सकते। थोड़े समय बाद वो सांप आग में गिर जाता है और जल के मर जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू को भी बच्चे हो जाते हैं। फिर दोनों पक्षियाँ अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया जंगल में चलते हुए जा रही थी। तभी वो देखती है कि रास्ते में कुछ चिल्लर पैसे पड़े हुए रहते हैं। अरे वाह, रास्ते में तो मुझे चिल्लर पैसे मिल गए हैं। अब इन चिल्लर पैसों को मैं जमा कर लेती हूँ। वो ऐसा सोच ही रही होती है, तभी उसके पास गौरी कौवी आती है और उससे कहती है, अरे रानू, वो पैसे तो लाश के ऊपर फेंके हुए पैसे हैं। तुम वो सब इकट्ठा क्यों कर रही हो? लाश पे फेंके तो क्या हुआ, पैसे तो पैसे होते हैं ना गौरी। वैसे उस लाश को कहाँ तक लेके गई है? उस लाश को नदी के पास तक लेके गई है। क्यों, क्या हुआ है? अगर मैं उतने दूर गई तो मुझे भी चिल्लर पैसे मिलेंगे ना, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। छी, तुम्हारी क्या जिंदगी है रानू, लाश के पैसे उठा रही हो। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। जो सोचना है सोचने दो, ये पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगी। सब पक्षी मुझे कंजूस कहते हैं, तो क्या हुआ, कहने दो, मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं बदलूंगी। फिर रानू चिड़िया बाकी के पैसे लेकर अपने घर के ओर जाती है। माँ, तुम घर आ गई हो, हम दोनों को बहुत भूख लग रही है और तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। भूख तो सबको लगती है, भोजन करने बाद भी थोड़े समय बाद फिर से भोजन करने का भूख होती है। इससे अच्छा हम एक दिन में एक ही बार भोजन करें। वैसे मुझे आज कुछ पैसे मिले हैं, ये पैसे मेरे संदूक में रख देना और उसको ताला लगा के वो ताला मुझे दे देना। माँ, हमें भूख लग रही है और तुमको पैसों की पड़ी है। बोला ना मैंने, दिन में एक बार खाना ही ज्यादा है। शाम तक मैं तुम दोनों के लिए कुछ भोजन ले आऊंगी, तब तक तुम दोनों शोर मत करना, एक कोने में बैठे रहना। जानू चिड़िया चिल्लाते ही वो दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। शाम होते ही सुंदरी कौवी रानू के पास आती है और उससे कहती है, रानू, मेरे पास एक काम है, तुम आके उस काम को करोगी? हाँ सुंदरी, अगर पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं।
सुंदरी का वीर रानू को उसके घर के पास ले जाती हैं और उससे कहती हैं, रानू ये घर खराब हो चुका है, इसके बदले मुझे दूसरा घर बनाना है, इसलिए ये घर को तुम फोड़ के यहाँ से निकाल दो। ये सब काम मैं कर लूँगी, तुम जाके पैसों का इंतजाम कर लो। फिर रानू काम पर लग जाती हैं। वो कई घंटों तक काम करते रहती हैं। दूसरी तरफ सुंदरी की दोस्त गौरी कवि उससे कहती हैं, सुंदरी मुझे लग रहा है कि तुम मुसीबत के साथ खेल रही हो। वो रानू तुमसे पैसे लिए बिना फ्री में काम नहीं करेगी। गौरी तुम चिंता मत करो, उसके साथ मुफ्त में काम कैसे करवाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। सुंदरी रानू के पास जाती है और वहाँ देखती है कि रानू चिड़िया एक गमला फोड़ देती है। हाय हाय, हे भगवान, तुमने तो फूलों के जड़ों को खराब कर दिया। ये फूलों के जड़ दूर दूर से पक्षियाँ लेने के लिए आते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पैसे दो इसके, वरना मैं सब गांव वालों को यहाँ ले आऊँगी। अरे सुंदरी, मुझे नहीं पता था ये कीमती गुलाब है, मुझे माफ़ कर दो, जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगी। अब कुछ मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ। रानू चिड़िया उदास होकर घर चली जाती है। ये सुंदरी मेरे हाथों से इतना काम करवा के एक पैसे भी नहीं दी है, ये तो मुझे सोची समझी साजिश लग रही है। घर के अंदर जाते ही उसके दोनों बच्चे बिरयानी खा रहे होते हैं। उसको ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। माँ तुम काम करके थक गई होगी, आओ बिरयानी खाते ही। बिरयानी? ये बिरयानी तुमको किसने दिया? हमको कोई और क्यों देगा, मैं ही लाई हूँ। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, वो भी बिरयानी खरीदने जितने? माँ पैसे कहाँ से आएंगे, तुमने ही तो बताया था ना शाम में खाने के लिए तुम्हारे संदूक फोड़ के उसमें से पैसे निकाल के मैं बिरयानी ले आई हूँ। ये सब सुनकर रानू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेटी को खूब मार देती है। माँ क्यों मार रही हो, मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मत मारो माँ, अब बस भी करो माँ। मैं इतने दिनों से भूखी रह के वो सारे पैसे जमा कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों मिलकर मेरे सारे पैसों से बिरयानी खरीद के खा रही हो। तुम दोनों अभी के अभी मेरे नजरों के सामने से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगी। ऐसा कहकर वो गुस्से में आकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। माँ तुमको बच्चों से ज्यादा उस पैसों से प्यार है, मैं अपनी बहन को अच्छे से देख लूंगी, यहाँ से जा रही हूँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। तुम्हारे पास हर वक्त भोजन के लिए तड़प तड़प कर रहना पड़ रहा है। ऐसा कहकर छोटी चिड़िया अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने संदूक को देखकर